क्या नाम है आपका? शबी फातिमा। शबी भैया, ये आपका जो विरोध चल रहा है लगातार, आज 8 दिन हो गए हैं, ये और कब तक चलेगा? अभी तो मुझे नहीं पता, ये डिसाइड तो अमित शाह जी करेंगे कि वो कब तक हमको सड़कों पर रखेंगे। हम डरने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं, हम यहीं रहेंगे। अमित शाह जी ने कहा था कि हम इस पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, आप क्या कहेंगे? वो 1 इंच ना हटें, हम एक एक सूत करके उनको हटाते रहेंगे, और जब उन्हें पता चलेगा तो वो कई मीटर पीछे हो चुके होंगे। मुख्यमंत्री ने जैसे एक बात कही कि पुरुष तो कंबल में सो रहे हैं, औरतों को अपने और बच्चों को चौराहे पे बिठा दिया है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या बोलूँगी, जो लोग अपनी माँ बहनों को 100-100 साल की उम्र की माँओं को नोटबंदी में लाइन में लगा सकते हैं, वो दूसरे की माँ बहनों की इज्जत क्या करेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है तो वो देखें कि हमारे मर्द, हमारे बेटे, हमारे भाई शाना बशाना अपना सारा कारोबार छोड़ करके अपनी बहन बेटियों की हिफाजत में यहाँ दिन रात लगे हुए हैं। और आपकी शराफत ये है कि जिन बेटियों की आप तरफदारी करते हैं उन्नाव के अंदर, एक रेप पीड़िता के पूरे खानदान को मरवा दिया एक सैंगर को बचाने के लिए। आप लैंगिक बातें करते हैं, आप औरतों के फेवर में बातें करते हैं, कल तक आपको मुसलमान बहनों पे बड़ी दया आती थी, आज मुसलमान औरतों को आप रोड पे ले आए हैं, मुसलमान मर्दों को आप गोली का निशाना बना रहे हैं, और जब औरतें अपने मर्दों को, अपनी गोदों को, अपनी मांग को बचाने के लिए आई हैं तो आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। काश आप भी किसी औरत के मर्द होते, किसी बेटी के बाप होते, किसी माँ के बेटे होते, तो आपको पता चलता कि परिवार क्या होता है। जैसे कि कुछ लोगों पर अभी FIR दर्ज हुई है, कुछ महिलाओं के ऊपर, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? ये देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था कि मुझ पर भी FIR हुई है, मुझे अगर 100 बार FIR मुझ पर हो, ज़मानत हो, मैं फिर भी ये इनकलाब जारी रखूँगी, और मुझे 100 बार अगर मौत आ जाए और मैं फिर पैदा हो जाऊँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मुझे सरदार भगत सिंह की तरह इसी चौराहे पर फांसी लटका दिया जाए, लेकिन ये इनकलाब ख़त्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।